सो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं TVS की RDR 300cc जो अभी लॉन्च हुई है उसको KTM Duke 390 से। तो इन दोनों बाइक्स में आपको क्या कुछ डिफरेंस मिलता है प्राइसिंग के बारे में, इंजन के बारे में, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर रोज मैं बाइक से रिलेटेड वीडियोस को लाते रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इन बाइक्स की कलरिंग के बारे में। तो TVS RDR 310cc में आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि पहला आपको ब्लू, येलो और ब्लैक कलर मिलता है। जो ब्लू कलर मिलता है वो आपको ऑप्शनल मिलता है, यानी कि थोड़े से ज़्यादा पे करके आपको ये कलर देखने को मिलेगा, यानी कि 10,000 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेंगे तभी आपको प्रो किट मिलेगा। वही KTM Duke 390 में आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, डार्क गैलानो और लिक्विड मेटल। तो इन दोनों बाइक्स के इंजन कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो KTM Duke 390 में आपको जो है 312.27cc का 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो कि DOHC फ्यूल इंजन के साथ आता है। बाकी इसमें पावर जो 43.5 PS की मिलती है जो कि 9000 RPM पे मिलती है, और इसका टॉर्क जो है 37 Nm का मिलता है जो कि 7000 RPM पे आपको मिलता है। 6-speed गियरबॉक्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और जो TVS की RDR 310cc है उसका इंजन जो आपको 312.12cc का 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आता है। उसकी पावर आपको जो है 35.6 PS की मिलती है जो कि 9700 RPM पे मिलती है, और इसका टॉर्क जो है आपको 28.7 Nm का मिलता है जो कि 6650 RPM पे मिलता है। इसमें भी आपको जो 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं, और इसमें सस्पेंशन सेटअप जो है TVS Apache RDR 310cc में आपको फ्रंट में आपको 41 mm का अपसाइड डाउन फ्रंट फोर सस्पेंशन देखने को मिलता है। वही रियर में आपको जो है KYB रियर शॉक प्री लोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। वही KTM की Duke 390 में आपको जो है फ्रंट में WBS एपिक्स अपसाइड डाउन फ्रंट फोर सस्पेंशन देखने को मिलता है, और रियर में आपको जो है WP एपिक्स मोनोशॉक 10-step एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं इन दोनों बाइक्स के टायर और ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो TVS Apache RDR 310cc में आपको जो फ्रंट में 114x70 के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और रियर में आपको 150x60 के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। वहीं KTM Duke 390 में आपको जो फ्रंट में 110x70 के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, रियर में आपको 150x60 के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो TVS Apache RDR 310 में आपको जो फ्रंट का ब्रेक 300mm का डिस्क मिलता है और रियर में आपको जो 240mm के डिस्क मिलते हैं। वही KTM Duke 390 में आपको जो फ्रंट में 320mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है और रियर में आपको 230mm की डिस्क मिलती है। दोनों बाइक्स के अगर फीचर्स की अगर बात की जाए तो TVS RDR 310cc में आपको जो स्लीपर क्लच मिलता है, राइड बाय वायर मिलता है, TPMS मिलता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, हीटेड एंड कूल्ड सीट मिलती है, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, कॉर्नरिंग ABS मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है और व्हीली कंट्रोल मिलता है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन मिलता है, और इसमें आपको रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल मिलता है, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल मिलता है, और इसमें आपको जो स्लैब डिपेंडेंट कंट्रोल देखने को मिलता है। वही बात करें KTM Duke 390 की तो इसमें आपको फीचर जो स्लीपर क्लच मिलता है, राइड बाय वायर बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है और सुपर मोटो मोड मिलता है, साथ ही साथ इसमें ABS भी मिलता है। तो दोनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो RTR 310cc में आपको जो ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, और RTR 310cc का जो टॉप स्पीड है 150 km/h कंपनी क्लेम करती है, और जो KTM Duke 390 आती है उसका स्पीड 160 km/h का कंपनी क्लेम करती है। बाकी जो इनमें पावर की और स्पीड की अगर बात की जाए तो KTM Duke 390 में आपको ज़्यादा पावर और स्पीड देखने को मिलती है, और कनेक्टिंग फीचर की अगर बात की जाए तो दोनों में आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट जो RTR 310cc में आपको डिस्प्ले मिलता है वो थोड़ा सा एडवांस आपको देखने को मिलता है KTM Duke 390 से। तो इन दोनों बाइक्स में जो आपको कनेक्टिंग वाले फीचर्स सारे देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो TVS Apache RDR 310cc की जो प्राइस आती है वो दिल्ली एक्सशोरूम में आपको जो है विदाउट क्विक शिफ्टर ब्लैक कलर की प्राइस आपको 242,990 रुपये तक रखी गई है। वही इसका ब्लैक कलर जो आता है उसकी प्राइस 257,990 रुपये की रखी गई है, और इसका येलो कलर जो आता है उसकी प्राइस आपको 263,990 रुपये की रखी गई है। वही KTM Duke 390 की प्राइस आपको जो है दिल्ली एक्सशोरूम में मिलेगी 297,475 रुपये के करीब। इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई मिलेंगी क्योंकि इसका इंजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही था इन दोनों बाइक्स का डिफरेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट बाइक की अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहें।